इस पवित्र दिन के लिए, जिसमें कि एक फरिश्ता डॉक्टर हनीमैन साहब इस धरती पे, जिन्होंने सन 1755 में जन्म लिया था, आज हम लोग उनके जन्मदिन मनाने के लिए आपके बीच हूँ। इस कार्यक्रम को बहुत बड़ा होना था साथियों, लेकिन यह कार्यक्रम कोविड की महामारी के कारण थोड़ा सा सूक्ष्म हो गया है, लेकिन फिर भी कार्यक्रम पूरा होगा। और आज हम लोग डॉक्टर हनीमैन साहब को और उनकी द्वारा जो योगदान इस संसार को मिला है उसका चिंतन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है आज। आप देखिए होम्योपैथी का योगदान, आज पूरे भारतवर्ष में होम्योपैथी के मेडिकल कॉलेज हैं, पूरे भारतवर्ष में आज होम्योपैथी की मिनिस्ट्री है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, चीफ सेक्रेटरी है होम्योपैथी का, और होम्योपैथी के स्टूडेंट्स हैं, और यह एलोपैथी, आयुर्वेद और यूनानी के साथ चौथी एकमात्र रिकग्नाइज डिग्री है, और डेंटल और कोई भी डिग्री मेडिकल के लिहाज से रिकग्नाइज नहीं है। आपको मैं आंकड़े बता दूं, कुछ लोगों का कहना है विदेश में होम्योपैथी इतनी पॉपुलर नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि इंग्लैंड में 70 मिलियन लोग जो है वह होम्योपैथी करते हैं, तो होम्योपैथी पॉपुलर है। अमेरिका में 750% ग्रोथ के हिसाब से ग्रोथ हो रही है। इसी बीच हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हम सब के मार्गदर्शक श्री अनुराग मिश्रा जी हम लोगों के बीच हैं, एक वरिष्ठ समाज सेवी और नामित पार्षद के रूप में उत्तर प्रदेश इनको देखता है और पूरा भारत इनको समाज सेवी के रूप में देखता है। मैं चाहूंगा मिश्रा जी हमारे आए, ये मेरे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, और मैं आपको एक बहुत बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, आप देख ले मैं कोई बात बिना गंभीरता के नहीं बोलता हूँ, बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। आपके बीच एक ऐसा व्यक्ति इस समय खड़ा है जो एक दिन इस देश के सर्वोच्च पद पे बैठेगा। ये 200 स्क्वायर फीट के क्लिनिक पर ये बात कर रहा हूं और ये बात इनके काम के हिसाब से कर रही है। आप श्री अनुराग मिश्रा जी एक बार फेसबुक पे श्री अनुराग मिश्रा डाल लीजिएगा और आप इनके बारे में और जान जाएंगे। लखनऊ और उत्तर प्रदेश इनके बारे में जानता है, बाहर के साथियों से मैं कहूंगा। अब जो स्वयं भी होम्योपैथी के एक बहुत ही जानकार भी हैं और होम्योपैथी को आगे भी बढ़ाते हैं, वह हम लोगों के बीच। अब देखिए डॉक्टर हनीमैन साहब का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे और उनको श्रद्धांजलि देंगे इस मानवता के काम के लिए। अब मैं चाहूँगा हम सब के साथी, हम सब के मार्गदर्शक अंग वस्त्र कृपया छोटी जी ने रखे हैं, स्तुति जी ने अंगवस्त्र का है। मैं चाहूँगा ऋतुराज जी हम लोगों के बीच आ जाएं, नागरिक सुरक्षा संगठन के स्तुति जी को मालूम है, हाँ ऋतुराज रस्तोगी जी आ जाएं। देखिए स्तुति जी बच्चे जो है सब डॉक्टर हनीमैन साहब को लोगों के बीच पहुँचाना है। हाँ आइए गौरी ऋतुराज जी आए दो पल, और बहुत ये मानते भी हैं मिश्रा जी को और मिश्रा जी का काम रोज देखते भी हैं, बढ़ाते भी हैं, तो मैं चाहूंगा मिश्रा जी का स्वागत करें। डॉक्टर हनीमैन साहब को याद करने का ये एक तरीका है और इस तरीके से हम लोग ये आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। ये सीनियर न्यूज एडिटर हैं और हर अच्छे काम में लॉकडाउन में इन्होंने बहुत सामान लोगों को बांटा है, और मिश्रा जी हमको हर मंच पे ऊपर रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए ऋतुराज जी, ये सब बहुत अच्छे लोग हैं साथी, और डॉक्टर हनीमैन के आपके क्लिनिक की बात आगे बढ़ाने में हमेशा साथ है। अब एक कोई कार्यक्रम हो और उसमें म्यूजिक ना हो तो मजा नहीं आता। मैं मिश्रा जी जाऊंगा चेयर ले, स्तुति जी को मैं बुलाना चाहूंगा। ये बच्ची 12 साल की बच्ची है, इसकी उम्र 12 साल है,
और यहाँ आपके बीच राष्ट्रगान के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी। मैं इन दोनों बच्चों का, देखिए मिश्रा जी दोनों बच्चों का स्वागत कर रहे हैं और यहाँ एक तरह से वुमन एम्पावरमेंट, बच्चों को कैसे केयर करनी है उसका भी एक रूप है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर उमंग खन्ना क्लिनिक और उनके तमाम सारे साथियों का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में भी आज वो समाज के साथ पूरी तरीके से खड़े हुए हैं। मैं सही अर्थों में कहूँगा कि डॉक्टर हैनीमैन, जिनका आज 266वां वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं होम्योपैथिक डे के रूप में इस क्लिनिक में, तो मुझे इस बात को कहते हुए बड़ा फ़ख्र हो रहा है कि डॉक्टर उमंग खन्ना क्लिनिक में सही अर्थों में उनके बताए हुए रास्तों पर जो सेवा का भाव चल रहा है वो मैं उनको और उनके तमाम सारे साथियों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि डॉक्टर उमंग खन्ना जी हैनीमैन साहब की वर्षगांठ पर भी आज सच्चे अनुयायी के रूप में उनका हेल्थ के प्रति जो जागरूकता अभियान है, जो उनका होम्योपैथिक डे है, वो सही अर्थों में अगर कहीं मनाया जा रहा है तो इसी डॉक्टर उमंग खन्ना क्लिनिक पे। मेरी जानकारी में जैसा है कि डॉक्टर साहब के यहाँ एक बोर्ड भी लगा है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जिनके पास पैसा है तो ठीक है, जिनके पास पैसा नहीं है उनके साथ भी है क्लिनिक और क्लिनिक का परिवार स्टाफ उनके लिए दवा देने के लिए खड़ा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि डॉक्टर उमंग खन्ना जी को और उनके तमाम सारे साथियों को, जो उनका ऑफिस स्टाफ है, जो उनका सामाजिक सहयोगियों का एक और है, उनको संबल प्रदान करे, उनको बल दे कि वो इसी तरह पूरी इच्छा शक्ति से जिस तरह उन्होंने पूरे एक वर्ष गरीब आम जनों की सेवा की। मुझे मालूम है कि डॉक्टर उमंग खन्ना का जी का जो क्लिनिक नखास का क्लिनिक है वो गरीब जन के लिए हर समय खुला रहता है और मैं फिर से एक बार इनके क्लिनिक को और डॉक्टर उमंग खन्ना को, सिविल डिफेंस के आए हुए हमारे भाई ऋतुराज जी को और उनके सहयोगियों को, हमारे मीडिया समाचार बंधुओं को, सभी को मैं आज के इस मुबारक दिन पर हैनीमैन जी की जयंती पर और होम्योपैथिक डे पर एक बार मैं पुनः सबको ढेर सारी बधाई देता हूं और इस बात के लिए भी मैं आग्रह करता हूं कि जो लोग समाज सेवा क्षेत्र से जुड़े हैं वो समाज को भी बचाएं और अपने को भी बचाएं, क्योंकि स्थिति भयावह रूप ले रही है। हम सारे समाज में अभी उस प्रकार की गंभीरता लोग नहीं ले रखे हैं। सरकार और सामाजिक लोगों का तो काम है कि लोगों को सहयोग करना, अवेयर करना, लेकिन पूरी तरीके से हमें स्वयं को कंट्रोल करना होगा। हमको खुद भी बचना है और समाज को भी बचाना है। डॉक्टर साहब तो आपको प्रिस्क्रिप्शन कर दे सकते हैं, दवा दे सकते हैं, लेकिन एहतियात बरतने का काम पूरे समाज के समस्त लोगों का है और मैं इस सरकार को भी बहुत बहुत बधाई दूंगा कि ये सरकार आम जनों के लिए पूरी तरीके से खड़ी है। मेरी जानकारी में है कि हमारे इस पुराने लखनऊ में एक्स्ट्रा कोविड की जांच के केंद्र बने हुए हैं और
कोविड की जो इंजेक्शन लग रहे हैं वो भी हमारे इस पुराने क्षेत्र में बहुत करीब करीब लग रहे हैं और आम जनता के लिए उसके द्वार खुले हैं, लेकिन फिर भी हम सब लोगों को समाज को बचाने के लिए एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और मैं दोनों बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई दूंगा कि पढ़ाई के साथ साथ बहु प्रतिभा के जैसे धनी हैं बच्चे, इन्होंने अभी राष्ट्रगान गाया और बच्चे जो आजकल कंप्यूटर में ही पढ़ाई कर रहे हैं और साथ साथ अपनी प्रतिभा को भी निखार रहे हैं। मैं एक बार पुनः समस्त आयोजकों को आज के इस मौके पर सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये कोविड वैश्विक महामारी से हमें और हमारे समाज को शीघ्र निजात मिले और हम सब लोग आज ये प्रण लें कि हम सब लोग शासन द्वारा डॉक्टरों के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। हम दो गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, प्लस सैनिटाइजर, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और अगर कोई नहीं कर रहा है तो हम उसे टोकेंगे भी, जिससे उसको महसूस हो कि हम गलत कर रहे हैं और इससे समाज को हम महामारी से बचाने का भी काम करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्री अनुराग मिश्रा जी। आपकी क्षेत्र के लोगों के लिए चिंता आपकी उद्बोधन में भी झलक रही थी और आप भगवान ने आपकी बड़ी रक्षा करी है। कम से कम मेरा ख्याल 6 से 7 बार आपने COVID-19 की जांच कराई है और खुद ट्रैक्टर चला के आपने पूरे पुराने लखनऊ में सबसे पहले जो ट्रैक्टर आए थे नगर निगम के, वो आप ही ने पुराने लखनऊ में स्वयं चला के सैनिटाइज कराया था। लेकिन भगवान आपकी मदद कर रहा है, आगे भी करता रहे। और मैं यहाँ पे घोषणा भी करूंगा कि अपने पार्षद जी को हम लोग डॉक्टर उमंग कन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक 1000 कोरोना से बचाव की डोसेज। होम्योपैथी में साथियों बहुत अच्छी दवा आती है, आप यहाँ पे नोट कर लें, आर्सेनिक एल्बम 30 और इन्फ्लुजिनम 200। तो श्री अनुराग मिश्रा जी को और जो लोग इस माध्यम से सुन रहे हैं वहाँ लोगों को हम लोग 1000 डोज निःशुल्क देंगे ताकि क्षेत्र में यह दवा बांटी जा सके। और आप लोग आर्सेनिक एल्बम की रोज सुबह 2 बूंद खाली पेट और इन्फ्लुजिनम 200 की 2 बूंद रोज रात में खाली पेट 15 दिन तक लेते रहिए, क्योंकि यह भयावह स्थिति है। और आज इस व्यक्ति को याद करने का इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वैक्सीनेशन 100% सक्सेसफुल नहीं है और कोई भी दवा नहीं हो सकती, 0.01 अब्बा को भी मैं यहाँ माननीय पार्षद जी के माध्यम से यहाँ खत्म कर देना चाहता हूँ। वैक्सीनेशन पे जो अब्बा चल रही है, खैर मिश्रा जी आपके सामने रखेंगे इस बात को, यह एक बहुत गलत बात है जिसके डिमांड पूरी दुनिया में हो रही है और 0.00001% 3 करोड़ में 750 लोगों को इसका थोड़ा सा आफ्टर इफेक्ट आया। अब अगर हमारे करीब में डॉक्टर हो तो डॉक्टरी के विषय में या दवा के विषय में तो उससे बेहतर वही बोल सकते हैं। मेरा केवल एक अनुरोध ये है कि जो समाज में ज़रूरी आवश्यकताओं पर चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लोग अपना परिवार छोड़कर हमारे बीच सेवा कर रहे हैं, जैसे पुलिस परिवार, नगर महापालिका का परिवार और सिविल डिफेंस, तमाम सारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, डॉक्टर लोग, ये जो भी सलाह दे रहे हैं उनको पालन करें, किसी प्रकार से रिएक्ट ना करें। मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास सुबह से शाम तक मास्क ना होने पर पुलिस के द्वारा, नगर महापालिका के द्वारा किए गए चलानों पे फ़ोन आते हैं, तो मैं कई बार ऐसा कहता हूँ कि आप नहीं चलान दे सकते हैं, आप मेरे से पैसा ले जाइए लेकिन जान को बचाइए। आप किस कभी कभी डॉक्टरों पर नाराज़ हो जाते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि वो सब लोग अगर रुक गए, आज कोरोना जैसी वैश्विक महामारी जब हमारे समाज में आती है तो सबसे पहले अगर हम किसी की आवश्यकता पड़ती है तो हमें भगवान के रूप में डॉक्टर दिखता है, वो सफाई कर्मचारी दिखता है जो दवा छिड़कने के हमारे किवाड़े पर आता है। हम खुद तो तीसरे माले पे अपने को क्वारंटाइन कर लेते हैं, लेकिन अब इच्छा करते हैं कि वो सफाई कर्मचारी हमारे पूरे घर में छत तक वैक्सीन का छिड़काव कर दे, हमारे यहाँ दवा का छिड़काव कर दे,
तो मेरा अनुरोध है कि हमारे बीच जो सामाजिक सरोकार से रहते हुए जो सेवाएं चल रही हैं उनमें सहयोग करने की ज़रूरत है, रिएक्ट ना करें और स्वयं को भी बचाएं, उनको भी बचाएं। ये सेवाएं तब तक ही वो दे पाएंगे जब तक कि वो बचे रहेंगे। मेरा आप लोगों से इतना ही अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग भाई, क्योंकि यह जो है वो समाज के बीच रहने वाला व्यक्ति समाज की बात को जाता। तो आज का उद्देश्य यह है कि हम लोग होम्योपैथी पे चर्चा करें, होम्योपैथी को आगे बढ़ाएं, वैक्सीनेशन का आप लाभ अवश्य लें। जो भी व्यक्ति इसके लिए एप्लीकेबल है, 45 साल के ऊपर का मेरा ख्याल है, वह व्यक्ति वैक्सीन अवश्य लगवाए और हेल्थ वर्कर और जो फ्रंट लाइन वाले सारे सिपाही हैं वो आगे लगाएं, आगे बढ़ें और वैक्सीन को लगाएं और समाज में कहें और किसी भ्रांति पे ना जाएं। 0.0001% के साइड इफेक्ट वाली चीज को, 0.001% के साइड इफेक्ट वाली बात को आप संज्ञान में ना लें। तो डॉक्टर साहब की हम लोग अब जीवनी पे बात करेंगे कि डॉक्टर साहब ने कैसा संघर्ष करा। आप किसी के संघर्ष को समझेंगे तो आप उसकी मदद कर पाएंगे, आप उस पर भरोसा कर पाएंगे, अकीदा कर पाएंगे। एक बहुत गरीब परिवार से डॉक्टर हेनीमैन आते थे। आपने एक वजीफे के तौर पे एक स्कूल में आपको एडमिशन मिला, लेकिन वहां पर भी उतनी फीस देने का भी आपके पास पैसा नहीं था, तो आप ट्रांसलेशन करने लगे। आप जब ट्रांसलेशन किताबों का करने लगे उससे अपनी जीविका अर्न करने लगे और आप जो है वह ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, इंग्लिश इन सब विधाओं में आपको परफेक्शन था। 13 साल की उम्र में जिस कॉलेज में यह पढ़ते थे वहीं के टीचर की मदद से यह ट्रांसलेशन करने लगे। यह इनकी एक जो वो था क्षमता थी उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण था। उसके बाद जब ये थोड़ा सा आगे बढ़े तो इनके पैसे के कारण इनकी पढ़ाई छूट गई, वह ट्रांसलेशन भी इनके काम नहीं आ पाया किताबों का। फिर आप दूसरे शहर में चले गए, वहां फिर आपने यही काम शुरू करा ट्रांसलेशन का और एडमिशन लिया। फिर वहां 2-3 महीने रुके होंगे, उसके बाद फिर शहर बदल, ऐसे शहर दर शहर आप बदलते रहे और आपके 14 साल उम्र के बीत गए। 14 साल उम्र के बीतने के बाद आप फिर जहां पहुंचे वहां पे ट्रांसलेशन कर रहे थे। एक दिन आपको क्यूलिन की मटेरिया मेडिका का ट्रांसलेशन मिला। उस क्यूलिन की मटेरिया मेडिका का ट्रांसलेशन, देखिए आदमी का प्रोफेशन वो था और आप वक्त के साथ एमडी की डिग्री भी आपने हासिल करी, बहुत ही रेयर। उस वक्त में सोचिए एमडी की डिग्री कितनी बड़ी चीज हुआ करती थी। आपने एमडी की डिग्री हासिल करी और मरीजों का इलाज करने लगे, लेकिन आपका मन भटक रहा था उन कष्टों से जो दवा खाने के बावजूद कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में मरीज को हो रहे थे, उससे आपका मन भटकने लगा। और मन जब आपका भटकने लगा तो आप कोई रास्ता तलाशने लगे। कहते हैं जब चीज की जरूरत आदमी ढूंढ रहा होता है तो वो चीज उसको कहीं ना कहीं मिलती है, यही प्रभु की माया है। तो अचानक उनके हाथ में क्यूलिन मटेरिया मेडिका की किताब आ गई, ट्रांसलेशन के लिए उनको वर्क मिला था उनको, जिससे उनकी जीविका चल रही थी, क्योंकि वह दवा देने में बहुत भरोसा नहीं रखते थे। उन्हें लगता था हम मरीज को हमेशा के लिए सही नहीं कर पाएंगे तो हम उसको दवा क्यों दें। ईएमडी डॉक्टर ऐसा सोच रहा है। आजकल तो जब हम लोग पढ़ते हैं जिस समय पढ़ रहे होते हैं उसी समय सोचते हैं जने कितने लोगों को दवा दे दे, लेकिन इस व्यक्ति को देखिए, इसने जिसने इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है उस व्यक्ति का मन नहीं था। तो वह ट्रांसलेशन, तो जब क्यूलिन मटेरिया मेडिका में चिंकोना ऑफिसनेलिस जो नीम का पेड़ होता है उसकी जो छाल होती है उसकी बात आई, तो उससे यह बताया गया कि यह खाने से ये सिम्टम आ जाते हैं। यही वो टर्निंग पॉइंट था डॉक्टर साहब की उम्र में, जीवन में, जिससे उनको जो है एक माइंड में एक चीज क्लिक करी। उन्होंने फिर क्या करा, उन्होंने खुद इसकी सेवन शुरू करा। वो सिंकोना, फिर मैं चाहूंगा खालिद भाई को एक सीट दे दीजिए, एक सीट दीजिए, मेहमान है हम लोगों के। मैं चाहूंगा फिर वो जो है
अपने पे सिंकोना रोज पीने लगे, उससे उनको बुखार आने लगा। इस बुखार की बात से उनको यह समझ में आया कि यह दवा खाने से यह सिम्टम उत्पन्न हो रहे हैं। और फिर उनको एक बहुत पुरानी वैश्विक थ्योरी ध्यान आई, क्योर्स लाइक क्योर्स, सिमिलिया सिमिलियस कुरेंटर, जहर ही जहर को काटता है, सामान्य ही सामान्य को ठीक करता है। तो उनके दिमाग में स्ट्राइक करा कि क्यों ना ये चाइना की दवा से, जिससे हमको बार बार इंटरमिटेंट फीवर आ रहा है, रुक रुक के बुखार आ रहा है, तो यही उस बुखार को ठीक भी कर सकती है। और फिर साथियों, सिमिला सिमिलियस कुरेंटर यानी लाइक क्योर्स लाइक का फिलॉसफी उसी पल से जन्म हुई। फिर जैसा किसी भी बड़े आदमी के साथ होता है, जब वो कोई नई चीज लाता है और किसी को बताता है तो यह समाज उसकी मजाक उड़ाता है। जैसे कि एक बहुत बड़े आदमी ने, किसी ने कहा था, खालिद भाई को हमारे ज्यादा मालूम होगा, कि पहले लोग आपको दुत्कारते हैं, फिर लोग आपको पहचानते हैं, और फिर नाम बढ़ता है तो लोग आपको गले लगाते हैं। तो अभी उनकी अवस्था थी दुत्कारने की। तो वह इस थ्योरी को देने से वह उस कॉलेज से भी, मेडिकल कॉलेज से निकाल दिए गए, क्योंकि उनका कोई फॉलोअर नहीं था। जब उन्होंने यह थ्योरी रखी तो शुरू में बहुत लोग आए, लेकिन बाद में कम होते होते जो ऑर्थोडॉक्स मेडिसिन के डॉक्टर थे, उन्होंने प्रेशर डाला और उन्होंने और लोगों को वहां आने नहीं दिया। तो कुल आखिर में 5 बच्चे बचे, 5 से 7 डिसाइपल्स केवल बचे, और वो इतने कम डिसाइपल्स थे कि डॉक्टर साहब का दिल टूट गया और डॉक्टर साहब जो है वहां मेडिकल कॉलेज छोड़ के अन्य शहर कूच कर गए। 1 साल में 12 शहर डॉक्टर साहब ने बदले, डॉक्टर हेनीमैन साहब ने 1 साल में 12 शहर बदले। फिर वो लेपिसबिग नाम के शहर पे आए और फिर टॉर्गो शहर में आए, जहां पे वो फिर 8 साल रहे और उन्होंने इस विधा को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करा। इसी बीच उनकी पहली वाइफ का डेथ हो गई, उनका इंतकाल हो गया, वो फिर बेसहारा हो गए। लेकिन कहते हैं कि नसीब आदमी के साथ चलता है। आगे बढ़ के उनको एक महिला मिली, वो महिला पहले उनकी स्टूडेंट थी, फिर उनकी फॉलोअर बनी, फिर उनकी लवर बनी, और फिर उन्होंने उससे शादी करी। फ्रांस की बहुत खूबसूरत महिला, पेरिस की बहुत खूबसूरत महिला, जो उनसे 40 साल कम उम्र में थी, उनसे उनका विवाह हुआ। और वो महिला बिल्कुल, मतलब डॉक्टर साहब की सारी थ्योरीज को उन्होंने, उस महिला ने एक किताब में लिखा, उसको आर्गेनान के रूप में सारा एकत्रित करा, सारा साहित्य, और उसको संकलन करा और लोगों तक पहुंचाने का काम करा। पेरिस में डॉक्टर साहब अपने जीवन के आखिरी वक्त में रहे और बहुत वक्त रहे, और इतने ज्यादा वक्त रहने के बाद में वो एक बहुत अमीर आदमी बने। तो जैसा मैंने अनुराग मिश्रा जी कहा था उद्बोधन के शुरू में, कि 45-50 साल के बाद लक्ष्मी जी उनके कदम पर आईं, लक्ष्मी जी उनके साथ आईं और उनकी गरीबी की अवस्था दूर हुई, और वहां से होम्योपैथी पढ़ने का टाइम शुरू हुआ। बहुत सी किताबें आपने लिखी, जिसमें मटेरिया मेडिका पूरा, मटेरिया मेडिका पूरा एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है और एक बहुत जरूरी किताब भी है। उसके बाद जो उनकी आखिरी किताब थी, अगर पहली किताब मटेरिया मेडिका पूरा थी, तो आखिरी किताब उनकी ऑर्गेनान ऑफ मेडिसिन 6th वॉल्यूम थी, जिसमें पॉइंट टू पॉइंट, मिनट टू मिनट उन्होंने लिखा है। और अनुराग मिश्रा भाई और सब लोग को मैं एक जानकारी दूंगा कि अभी एक और उनकी विधा थी, जो सूंघ के दवा का असर कैसे होता है, एक वो भी उन्होंने एलएम पोटेंसी ईजाद करी, जो अभी भी अपनी साइंस से शायद आगे है और लोग उसको अभी उतना नहीं मानते, लेकिन आने वाले वक्त में मानेंगे, क्योंकि उसका पूरा संलग्न पूरा जो है संकलन है। और निलॉन नाम की प्रथा, जिसमें कि सूंघ के दवा को आप ठीक हो सकते हैं। होम्योपैथी वो विधा है कि बच्चे को आप नाभि पे दवा मल दें, ये उतना ही बराबर है जितना वो दवा का सेवन करता है, उसी के बराबर का काम करती है। तो ऐसी विधा के डॉक्टर हेनीमैन साहब थे, डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक हेनीमैन साहब। और होम्योपैथी के बारे में साथियों एक बात मैं बता दूं, मैं एडमिट करता हूं कि अगर मैं किसी को 1 रुपए की भी दवा दे रहा हूं तो उसमें भी 50 पैसा कमा रहा हूं, मुझे कहने में कतई कमी नहीं है।
तो इतनी सस्ती पैथी कि आप किसी को एक रुपए की दवा दे रहे हैं, एक रुपए की दवा, उसमें भी आप 50 पैसे कमा लेंगे। तो जो 1.5 लाख की दवा, रुपए की दवा दे रहा है, उसके बारे में आप सोच सकते हैं, लेकिन वो उसकी काबिलियत है, उसके लिए उससे मेहनत करी है वो उसका। तो दूसरी बात, होम्योपैथी एक ऐसी पैथी है कि छोटी सी शीशी ले लो, ये शीशी कम से कम 5,000 लोगों को दवा दे सकती है। एक जेब में आप छोटी सी शीशी लेके जाओ और आप उससे लाभ लो। तो इतनी अच्छी पैथी होम्योपैथी है। और डॉक्टर हनीमैन साहब को मैं एक बार फिर सम्मान करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम, इतने अच्छी आपने एक सिस्टम को ईजाद करा। अब साथियों, एक और मनोरंजन का कार्यक्रम बीच में हो जाए, मैं चाहूँगा गौरी खन्ना जी से, गौरी खन्ना जी आ जाएं और अपने गिटार, आपके बीच गिटार के साथ आएंगी और देखेंगी कि जो है, आप देखेंगे कि ये बच्ची ने बड़ी मेहनत करी है। एक चेयर ला दें। मिश्रा जी और आमिर भाई की बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है। मैं चाहूँगा कि ये देखिए पुष्प गुच्छ बैठ करके और या सॉल पहना के हमारे मुख्य अतिथि, ये मुख्य अतिथि हैं, साथ में इस क्लिनिक के संरक्षक भी हैं। तो आमिर भाई हमको हमेशा हर मंच पे बहुत स्थान देते हैं, मैं इनका ऋणी भी हूँ। और होम्योपैथी को बढ़ाने में आपका विशेष योगदान है, क्योंकि आप एक पत्रकार हैं और पत्रकार होने के नाते आप जो लिखते हैं वह या पूरा समाज पढ़ता है और समाज की वही राय बनती है। अपने बीच आप कल कई अखबारों में देखेंगे खालिद रहमान साहब बैठे हुए हैं, यह सब पत्रकार लोग हैं, यह समाज की राय बनाते हैं। बहुत शुक्रिया। पहले तो अन्नू भाई का बहुत बहुत स्वागत करूंगा और उनका धन्यवाद भी करूंगा कि जिस तरह से कोरोना को 1 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन दोबारा वो बहुत तेज़ी से आया है। लेकिन इसकी रोकथाम के लिए पहले जो लॉकडाउन लगा था उसमें डॉक्टर उमंग खन्ना क्लिनिक ने जिस कह सकते हैं युद्ध स्तर पर जो काम किया था और जो हनीमैन साहब की जो दवाएं हैं होम्योपैथिक की, उससे उन्होंने उसका एक तोड़ भी निकाला था और वो दवा यहाँ से तकरीबन लाखों लोगों में जो है बांटी गई थी। और उसमें सबसे ज़्यादा जागरूकता जो लोगों में जगाई वो अनु मिश्रा जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और सिर्फ कोरोना ही नहीं बल्कि बहुत से ऐसे सामाजिक मुद्दे हैं जिन्हें वो उठाते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। जो गरीब लोग हैं, जिनको न्याय नहीं मिलता, जिनको इंसाफ नहीं मिलता, उनके लिए हमेशा लड़ते रहते हैं। और ये अपने आप में हम नौजवानों को ऊर्जा देता है इनका काम। और डॉक्टर उमंग खन्ना ने आज होम्योपैथी कहीं ना कहीं दम तोड़ चुकी थी, लोग उससे दूर हो रहे थे, एलोपैथी बहुत आगे जा रही थी, लेकिन उसे आगे लाने में, उसे आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ा योगदान रहा उनका, डॉक्टर साहब का। और डॉक्टर साहब का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने समाज सेवा की जो एक लहर दौड़ाई है हमारे प्रदेश में और हमारे शहर में, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। डॉक्टर साहब ने कहा था कि कोरोना के हवाले से और जो स्वास्थ्य है उसके हवाले से कुछ कहना है, तो मैं इजाज़त। ऋतुराज भाई आप बैठिए, हमारे समाजसेवी वरिष्ठ हमारे इस शहर के, और बहुत साथ देते हैं डॉक्टर उमंग खन्ना साहब का और शाना बशाना उनके चलते हैं वो। एक शेर हनीमैन साहब की नज़र करता हूँ पहले, कि हनीमैन की ये ईजाद है होमियो, हनीमैन की ये ईजाद है होमियो, हर मरस का ये इलाज है होमियो।
क्योंकि बिना चीरे के, बिना टाके के, बिना सुई के, बिना किसी सर्जरी के किसी भी मरज़ का इलाज, और आज भी मैं चैलेंज के साथ ये कह रहा हूँ, डॉक्टर साहब बैठे हैं और मैंने इन्हीं से सीखा भी है, उनसे सुना भी है, और भी जो होम्योपैथी के बड़े डॉक्टर्स हैं उनके उनके वक्तव्य को सुना है, तो को बहुत से ऐसे इलाज हैं जो होम्योपैथिक अभी तक उन पर काम कर रहा है और उनका निवारण कर रहा है उन मरीजों का, और एलोपैथिक अभी तक उन मरज़ को समझ ही नहीं पाया है और ना ही उसका कोई इलाज है, चाहे वो चेहरे के दाग हों या खुजली हो जाना या जगह जगह पर जो दाग होते हैं या सूजन आ जाना या दानों का निकलना, ये बीमारी एलोपैथ में जो है वो ठीक नहीं हो पाती, लेकिन होम्योपैथिक उसे जड़ से ख़त्म करता है। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत होती है, होम्योपैथ को जो इस्तेमाल करते हैं उन्हें पेशेंस चाहिए। मैं चार पांच शेर डॉक्टर साहब नज़र करता हूँ सेहत के, खालिद भाई तवज्जो चाहूँगा, ऋतुराज भाई के, सब्जियाँ फल जो भी खाते हैं, इम्यूनिटी बनाने के लिए इससे बेहतर कोई चीज़ है ही नहीं, लोग पता नहीं क्या क्या तलाश रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, और हमारे अंदर की जो रेजिस्टेंस पावर है बॉडी की उसको बढ़ाने में ये फल और सब्ज़ियाँ बहुत काम करती हैं, और ख़ास तौर से वो फल और सब्ज़ियाँ जिन्हें आप कच्चा खा सकते हो आराम से। सब्जियाँ फल जो भी खाते हैं, सब्जियाँ फल जो भी खाते हैं, अच्छी सेहत वही तो पाते हैं, अच्छी सेहत वही तो पाते हैं, दाल सब्जी का करते हैं सेवन, दाल सब्जी का करते जो सेवन, वैद के पास कम ही जाते हैं, वैद के पास कम ही जाते हैं, उठते हैं पहले सूर्य से जो लोग, उठते हैं सूर्य से पहले जो लोग, खुशियाँ जीवन में वो ही लाते हैं, खुशियाँ जीवन में वो ही लाते हैं। और ये शेर बतौर ख़ास, आज एक ट्रेंड चल गया है फास्ट फूड का, जंक फूड का, और वो नहीं समझ रहे हैं, वो खा नहीं रहे बल्कि बीमारियाँ खा रहे हैं और बीमारियों को पैदा कर रहे हैं, खा रहे हैं जो चाइनीज़ यहाँ, खा रहे हैं जो चाइनीज़ यहाँ, वही बीमारियाँ बढ़ाते हैं, वही बीमारियाँ बढ़ाते हैं। और ये मक्ता भी देख ले, जो कोरोना से लड़ते हैं आमिर, जो कोरोना से लड़ रहे आमिर, देश को स्वर्ग वो बनाते हैं, देश को स्वर्ग वो बनाते हैं। ये तो बात थी हमारी सेहत की, और सेहत जो बनती है वो नेचुरल से ही, जो सब्जियां और फल हमारे हैं उनका सेवन, और ये कोरोना जो फैला हुआ है कहाँ से आया, किधर से आया, ये कैसे आया, मैं आपको बताना चाहूँगा, और क्या इसकी इसका इलाज क्या है, आज इस वक्त इसका जो इलाज है वो क्या है। इस गालिब की एक गज़ल थी खालिद भाई कि दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस मर्ज़ की दवा क्या है। इसी ज़मीन पर मैंने कहने की कोशिश की है कि इस कोरोना की अब दवा क्या है, इस कोरोना की अब दवा क्या है,
घर में रहने के ही सिवा क्या है। अभी WHO ने कहा है कि अगर 108 घंटे चुप जनता है भारत की वो घर में रहे तो शायद जो 50,000 मौतें हो सकती हैं रोज देश में वो नहीं हो पाएंगी। तो ये जनता के हाथ में है कि वो जो है अगर बचाना चाहती है खुद को भी और अपनों को भी और इस देश के नागरिकों को, तो उनका सीधा सीधा ये है कि वो अपने घरों में रहें, ज़रूरी काम हो तो बाहर निकले वरना ना निकलें। इस कोरोना की अब दवा क्या है, घर में रहने के ही सिवा क्या है। चाइना ने बनाया कोविड को, फिर भी पूछे हो कि वबा क्या है, फिर भी पूछे हो कि वबा क्या है। ढक ले चेहरे को बना दूरी तुम, ढक के चेहरे को बना दूरी तुम, फिर ना कहना के ये हुआ क्या है, फिर ना कहना के ये हुआ क्या है। और ये एक पैगाम है अपने देश के प्रधानमंत्री की ओर से उन लोगों को जो इसकी वजह हैं कोरोना की, और जो हमारे देश की तरफ भी बुरी नज़रें रखते हैं। बांट कर मौत सारी दुनिया में, बांट कर मौत सारी दुनिया में, चीनी आखिर तुझे मिला क्या है, चीनी आखिर तुझे मिला क्या है। सारी दुनिया से पूछे है आमिर, चाइना की बता सजा क्या है, चाइना की बता सजा क्या है। आमिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं समझता हूँ कि अगर योगी सरकार के प्रतिनिधि तो हम लोग के बीच हैं, अगर कोई उनके जो अधिकारी है वह इस कार्यक्रम को देख रहा है तो आमिर भाई को ब्रांड एम्बेसडर बनने से कोई रोक नहीं सकता इस कोरोना के, क्योंकि आपने विशेष इस कार्यक्रम के लिए इतनी भावभीनी और इतनी टचिंग बात को हम लोगों के बीच रखा। तो साथियों, बात होम्योपैथी की होनी चाहिए। होम्योपैथी एक ऐसी विधा है जो सस्ती भी है, अच्छी भी है, टिकाऊ यानी परमानेंट भी है। सस्ती इसलिए है, जैसा हमने बताया साथियों, इस एक शीशी से मैं 5,000 लोगों को दवा दे सकता हूं, दो दो बूंद करके। इससे सस्ता क्या होगा? आप एक कोई पत्ता खरीदते हैं दवा का तो आप 100, 150, 200, 250 रुपए का, 300 रुपए का पत्ता खरीदते हैं, और ये 5,000 लोगों को इतनी दवा देने में सक्षम है। तो होम्योपैथी इतनी सस्ती है। दूसरी बात आती है अच्छी साथियों, होम्योपैथी को इसलिए मैं कह सकता हूं क्योंकि यह परमानेंट क्योर करती है। यह मरीज को परमानेंट रूप से क्योर करती है, उसके मर्ज को जड़ से खत्म करती है। और इसकी एक खास बात है, इसका साइड इफेक्ट्स नहीं है। होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, यह किसी भी तरह का आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। एक भ्रांति और चल रही है कि स्टेरॉइड होती है होम्योपैथी। जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल के लोग हैं वो इसको स्टेरॉइड के रूप में पेश कर रहे हैं, यह पूरी तरह गलत है। स्टेरॉइड आयुर्वेद का रिफाइंड फॉर्म है, यह एक तरह का आयुर्वेद ही है। यह भी जड़ की फल का रस है, जो जड़ होती है किसी पौधे की या फल होता है, यह भी उसका अर्क है।
जो कि आयुर्वेद होता है, लेकिन यहां क्वांटिटेटिवली कम हो जाती है दवा इसमें और क्वालिटेटिवली ज्यादा हो जाती है, इसलिए यह साइड इफेक्ट नहीं चाहती क्योंकि इसके अंदर में मेडिसिन की प्रॉपर्टीज है ही नहीं, मेडिसिन का जो कंपाउंड है वो है ही नहीं, इसलिए यह काम कार्य करती है। और साथियों, आज के इस कोविड 19 के दौर में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इम्यूनिटी को बढ़ाने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है। अगर आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो आपके शरीर में इंफेक्शन नहीं होगा। आप देख रहे हैं कि वैक्सीन 100% कारगर नहीं है, हालांकि उसमें कोई गलती नहीं है, कोई भी दवा 100% कारगर नहीं होती, होम्योपैथी भी 100% कारगर नहीं है, तो उस बात की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है यह काफी कारगर है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए साथियों मैं एक दवा आपको बताना चाहूंगा, बहुत अच्छी दवा है यूफ्रेसिया। यूफ्रेसिया 200 पावर में दो दो बूंद आप सुबह और शाम अपने बच्चों को एक महीने तक दे दें, या यूफ्रेसिया एक और अच्छी दवा एचिनेशिया, एचिनेशिया ऑगस्टिफोलिया, इसका आप 1x पावर अगर एक एक टैबलेट दिन में 3 बार किसी बच्चे को दे देते हैं तो उसकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाएगी और बहुत संभावना कम हो जाएगी कि उसको कोई बीमारी हो। तो सबसे पहले साथियों कोविड 19 की बात कर लेते हैं और इम्यूनिटी की बात कर लेते हैं। इम्यूनिटी के लिए साथियों मैं आपको 4-5 बातें बताना चाहूंगा, 5-6 बातें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी हैं। यह विषय तो आयुर्वेद का है लेकिन यह विषय जीवन का है, यह विषय जीवन का है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए साथियों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, उस पर हमने एक वीडियो भी बनाया है कि जो आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आपकी त्वचा होती है, स्किन होती है, तो जो आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है उसको आप मजबूत करें। और उसको आप कैसे मजबूत कर सकते हैं साथियों, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को आप मजबूत कर सकते हैं जब आप उसको मॉइस्चराइज रखें। अब गर्मियां आ रही हैं, गर्मियों में पानी की कमी होगी, पानी की कमी होने से स्किन ड्राई होगी और स्किन ड्राई होगी तो दिक्कत होगी, स्किन ड्राई होगी तो क्रैक्स आएंगे और क्रैक्स आएंगे तो आपके सामने समस्या आएगी। तो इन क्रैक्स को खत्म करने के लिए और स्किन को बेहतर करने के लिए आप स्किन को मॉइस्चराइज कर सकते हैं। और मॉइस्चराइज करने के लिए कुछ आपको ज्यादा नहीं करना है, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जिसपे आपको मॉइस्चराइज करना है। एक तो आप आईज हो गई, एक नोज हो गई, एक ईयर हो गए, एक एलिमेंट्री कनाल हो गई और एक स्किन हो गई। आईज को मॉइस्चराइज करने के लिए साथियों, आंखों को मॉइस्चराइज करने के लिए 2 बूंद एक एक बूंद गाय का देसी घी आप दोनों आंखों में डाल सकते हैं रोज प्रातः, इससे आपको लाभ होगा। ईयर्स को मॉइस्चराइज करने के लिए आप 2-2 बूंद गाय का घी या सरसों का तेल अपने कानों में डाल सकते हैं, इसके आपके ईयर्स की मेम्ब्रेन मॉइस्चराइज हो जाएगी। एलिमेंट्री कनाल को साथियों मॉइस्चराइज करने के लिए आप नारियल का तेल या फिर तिल का तेल, सबसे अच्छा साथियों तिल का तेल होता है मॉइस्चराइजेशन के लिए, क्योंकि ये वात पित्त और कफ तीनों दोषों को खत्म करता है। तो आप तिल का तेल एक पानी में डालकर उसका रोज सुबह गार्गल कर ले, उससे आपकी एलिमेंट्री कनाल मॉइस्चराइज होगी। रात में सोने से पहले साथियों नाक में आप 2-2 बूंद देसी घी डाल लें, इससे आपके नॉस्ट्रेल मॉइस्चराइज होंगे, नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन मॉइस्चराइज होगी, जो बच्चों को नाक से खून आता है वहां नहीं आएगा। और साथियों
स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए आप गाय का देसी घी, गाय का A2 देसी घी आता है, आप गाय का देसी घी पूरे शरीर में मल लें, और पूरे शरीर में गाय के देसी घी से मलने के बाद आप 15 मिनट 20 मिनट रुकने के बाद जब वह एब्जॉर्ब हो जाए आपकी स्किन में तो आप पानी से नहा लें, नॉर्मल वाटर से नहा लें। उससे क्या होगा कि घी तो आपका पुफ जाएगा लेकिन उसका जो मॉइस्चराइजेशन पार्ट है वह आपके बीच रह जाएगा। इस प्रकार से आप अपनी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस स्किन को मजबूत कर सकते हैं, जो कि किसी भी इंफेक्शन का हासिल करने का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। और जैसा हमने साथियों बताया, एसिनेशिया ऑगस्टिफोलिया 1x पावर में एक एक टैबलेट दिन में 3 बार आप बच्चों को दे सकते हैं, स्वयं भी ले सकते हैं, इससे भी आपको बहुत लाभ होगा और आपको किसी भी बीमारी से दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि आज महंगाई का दौर है साथियों, आजकल जिसकी तनख्वाह 25,000 थी उसको कट पिट के 7,000 मिल रही है, 1/4 सैलरी हो गई है, 1/4 सैलरी हो गई है। ऐसे में अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, भगवान ना करे अगर किसी को बीमारी होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप सोचिए आपका खर्चा, किसी भी MD डॉक्टर की फीस 800 से 1500 रुपए के बीच है, तो 1500 रुपए का आप पर्चा बनाते हैं, या हम कहते चलिए कम लेके चलते 1000 रुपए का आप पर्चा बनवाते हैं, अगर अच्छा डॉक्टर है तो 1000 रुपए का आप पर्चा बनवाते हैं। उसके बाद आप उसमें उसके पास जाते हैं, वो तो 2 से 4 हजार रुपए की जांच लिखता है, और अगर CT स्कैन या MRI लिख दिया तो 6500 से 7000 8000 रुपए की जांच हो गई। अगले दिन आप जांच करा के आते हैं तो वह 2000 की दवा लिखता है, 5 दिन जो दवा चलती है। आजकल किसी भी बड़े डॉक्टर का पर्चा 5 दिन से ज्यादा का नहीं होता है, मान्य नहीं होता है 5 दिन से ज्यादा, 5 दिन बाद आपको फिर जाके 1000 रुपए देने हैं। तो कुल मिला के आप जोड़िए तो 8000 रुपए, हम कहते हैं 4000 आधे कर लीजिए, 4000 रुपए की जांचें हो गई, 1000 रुपए फीस हुए, 5000 रुपए, 2000 की दवा हो गई, हुए 7000 रुपए। अब जिसको 7000 रुपए मिलते हैं तनख्वाह में साथियों, उसको अपना घर चलाना है तो वो कैसे चलाएगा, उसे दूध का भी 1000 रुपए 2000 रुपए महीना पैसा देना है, उसे बच्चों की फीस भी देनी है। यह लॉकडाउन हो गया लेकिन बच्चों की स्कूलों की फीस नहीं माफ हुई, ना फीस कम हुई। मैं यहाँ पर इसी माध्यम से, आप इतने लोग जुड़े हैं, पहले मैं चाहूंगा साथियों आप वीडियो को शेयर करिए, जितने हमारे साथी हैं इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। आज डॉक्टर क्रिश्चियन हेनीमैन साहब की क्रिश्चियन फ्रेडरिक हेनीमैन साहब का जो है जन्म दिवस है, इस वीडियो को आप शेयर करें, मैं ये अवश्य चाहूंगा, क्योंकि अच्छी बात आगे बढ़नी चाहिए। मैं यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ, एक आयोजन कर रहा हूँ कि सिर्फ स्वास्थ्य पे आपका ध्यान जाए, तो यह जो भी बात हो रही है अच्छी वह लोगों के बीच जानी चाहिए। तो इस वीडियो को शेयर करें, मैं चाहूंगा फेसबुक के हमारे साथी देख रहे हैं, 1.5 लाख लोग फेसबुक पे अपने साथ जुड़े हैं, 6 लाख साथी अपने यूट्यूब पर हैं, और 5000 साथी इंस्टाग्राम पे हैं। तो मैं चाहूंगा एक एक व्यक्ति से वो वीडियो को शेयर करें, वही आपकी तालियां होंगी। अगर आप ये प्रोग्राम के लिए ताली बजाना चाहते हैं, अगर आप इस प्रोग्राम को अप्रिसिएट कर रहे हैं, तो एक ही विकल्प है, आप इस वीडियो को शेयर करिए, हम लोगों औरों तक पहुंचेंगे, और ये महायज्ञ जो इस पूरे देश में जो केवल एकमात्र कार्यक्रम हो रहा है, एकमात्र होम्योपैथी पे कार्यक्रम हो रहा है, वह कार्यक्रम अन्य लोगों तक भी पहुंचेगा। तो बात आती है विषय पर आ रहे थे, अब 8000 रुपए उस आदमी ने खर्च कर दिए, दूध का पैसा, स्कूल का पैसा। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि बच्चों की फीस क्यों नहीं कम करी जाती, स्कूल के कितने खर्चे बच रहे हैं, स्कूल ने अपने स्टाफ को कम कर दिया है, स्कूल अपने स्टाफ को कटी हुई सैलरी दे रहा है, स्कूल में बिजली खर्च नहीं हो रही, आजकल सारे स्कूल एयर कंडीशन है, एयर कंडीशन बंद पड़े हैं जो कि सबसे बड़ा खर्चा होता है, स्कूल वाले सफाई का पैसा नहीं दे रहे क्योंकि वहां जब कोई आ ही नहीं रहा तो सफाई किस बात की होगी। तो आप फीस को 100% नहीं छोड़ सकते, लेकिन आप फीस को आधा कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे। तो मैं स्कूल वालों से कहना चाहूंगा, यूनिवर्सिटी वालों से कहना चाहूंगा, और सरकार से कहना चाहूंगा कि यहां पर आपकी उदासीनता है,
मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं और जिनको मैं मानता हूं एकमात्र ऐसा आदमी जो इस विपत्ति में भी खड़ा है, जो जिसको लोग जुमलेबाजी कहते हैं उससे संदेश दे रहा है लोगों को। लेकिन उनसे मुझे एक शिकायत है, स्कूल को लेकर जो भी हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं कैबिनेट के, मुझे नहीं पता, लेकिन एक व्हिप जारी होना चाहिए कि आप और सरकार, तो ये मोदी जी से ही चलती है, ये बात एक इस समाज की जानी हुई बात है कि मोदी जी अगर चाहें तो मैं सरकार के माध्यम से चाहूंगा बच्चों की स्कूल की फीस, क्योंकि कोरोना फिर आया है, लॉकडाउन फिर आया है, स्कूल फिर बंद होंगे, बच्चों की फीस आधी होनी चाहिए। आप टीचरों की तनख्वाह का पैसा लीजिए, लेकिन आप बिजली का पैसा क्यों ले रहे हैं, आप मेंटेनेंस का पैसा क्यों ले रहे हैं, आप अन्य जो खर्चे आते हैं उनका पैसा क्यों ले रहे हैं, आप स्टाफ जब सब जगह पैसा कट रहा है तो आप टीचरों का पैसा भी थोड़ा कम करिए, जहां ज्यादा पैसा दिया जाता है, लेकिन अभिभावकों को सुकून दीजिए। तो साथियों, 8,000 रुपए लेने वाला व्यक्ति, तनख्वाह पाने वाला व्यक्ति इलाज आज के दौर में नहीं कर सकता। बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करिए, और यहीं पे डॉक्टर साहब की बात आती है, डॉक्टर हेमंत साहब की, कि या 1 रुपए की दवा, इसमें 1 रुपए में भी दवा देंगे तो आपके मेरी जेब से कुछ नहीं जाएगा, मैं पैसा लेता हूं ठीक है क्योंकि घर चलाना है, लेकिन जो है इतनी सस्ती होम्योपैथी है। तो मैं डॉक्टर साहब की इसी बात के लिए मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक ऐसी फील्ड को लॉन्च करा है जो हम लोगों के बीच इस तरह है। तो हमको साथियों सजग रहना होगा, हमको चेतन रहना होगा, हमको जागरूक रहना होगा। और देखिए, कोरोना से बचाव का सारा सामान आपके क्लिनिक पर है, मैं इसको रिप्रेजेंटेशन के तौर पे आपके सामने रखना चाहता हूँ। मास्क भी हम लोगों के बीच है, मोनू जी थोड़ा चेतन रहें, मास्क भी हम लोगों के बीच है, सैनिटाइजर भी हम लोगों के बीच है, यह मास्क भी हमारे बीच है, यह मास्क है, मास्क भी हम लोगों के बीच है, यहाँ भी कोविड से बचाता है, या सैनिटाइजर भी हम लोगों के बीच, मशीन यहाँ पे रखी हुई है जो कि हमको कोरोना से बचाती है। तो इस तरह हमको इसके लिए करते रहना है ध्यान से। और इस कोविड समस्या से हम लोगों को निकलना है। और साथियों, अभी स्वास्थ्य की बहुत बातें होती रहेंगी, मैं तो चाहता हूं प्रोग्राम चलता रहे, जब तक ये लौ जलती रहेगी जब तक यह प्रोग्राम चलता रहेगा। आपसे साथियों बस इतना ही निवेदन है कि वीडियो को शेयर करें, अन्य लोगों तक बढ़ाएं। मैं चाहूंगा कि यह एक उम्मीद की लाइट है, मोदी जी ने घंटा बजवाया था, दीपक जलवाए थे, आज हम लोग फिर उसी दीपक को जला रहे हैं, क्योंकि ये कोरोना नहीं भगाएगा लेकिन ये आपको हताशा से जरूर बचाएगा। ये ठीक है, ये दीपक आपको कोरोना से नहीं बचा सकता, लेकिन यह आपको हताशा से बचा सकता है, डिप्रेशन से बचा सकता है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। तो ऐसी महिमा है, ऐसी माया है इस अनुष्ठान की। अपने भी शैलेंद्र भाई भी आ चुके हैं, विनायक ग्रामोद्योग संस्थान के अध्यक्ष, इनके 2 पल सीट ले लें, सीट दें शैलेंद्र भाई को, इनको बहुत बड़ा आयोजन करना था, पीछे ही रखें सीट को, कैमरे हिलेंगे, इतना एरिया बिल्कुल खाली रखें। इनको बहुत बड़ा आयोजन आज करना था, लेकिन कोविड-19 महामारी की दृष्टिगत हम लोगों ने इसको थोड़ा सूक्ष्म करा है, लेकिन बेहतर स्वास्थ्य की बात हम लोग कर सकते हैं। सारे मेहमानों के लिए चेयर या कुछ स्थिति प्रोवाइड करें, आप सब हमारे यहाँ के मेहमान हैं, आप सबको एकोमोडेशन, और सब भाई हैं मेरे, ये सब आते हैं पेन लेकर और बहुत अच्छा काम समाज में कर रहे हैं। तो साथियों, ऐसे थे डॉक्टर हेमंत साहब, ऐसी थी ये शख्सियत जिसने की ऐसी क्रांति ला दी, जो उनके जीवन में उनकी बात को समझने वाले थोड़े कम थे, लेकिन आज जब वो नहीं है तो उनकी बात को करने वाले बहुत हैं, और मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं। ये क्लिनिक श्रद्धांजलि देना चाहेगा डॉक्टर प्रफुल्ल विद्याकर साहब को, जो कि डॉक्टर हेडीमैन ऑफ इंडिया माने जाते थे। पिछले कोरोना में उनकी मुंबई में डेथ हो गई, कोविड-19 के इन्फेक्शन से उनकी डेथ हो गई। तो मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ,
कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। पूरे विश्व में डॉक्टर विद्याकर साहब के फॉलोअर हैं। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते मैं चाहूंगा अमित जी यहाँ पर एक चेयर यहाँ पर दे दे, और फिर चेयर लगने के बाद हम शैलेंद्र भाई को दावत देना चाहूंगा कि शैलेंद्र भाई आए, और क्योंकि वो स्वास्थ्य का इतना अच्छा काम कर रहे हैं मैं चाहूंगा शैलेंद्र भाई विनायक ग्राम उद्योग संस्थान से हम लोगों के बीच आए। और जो है वह यह 5,000 लोगों के काढ़े लेकर आए। कहते हैं जब बड़ा आदमी आता है तो वो खाली हाथ नहीं आता है, क्योंकि शैलेंद्र भाई एक बड़े आदमी है। इस बच्चे ने एक दिन में तैयार करा है, अगर एक लाइन भी सुनाता है तो ये हमारे गेस्ट के हमारे सम्मान में होगा। बच्ची ने भी एक दिन में तैयार करा। यह गिटार की स्पेशलिस्ट है, यह गिटार बजाती है, लेकिन इसका मन करा कि एक पियानो का भी इसकी इच्छा थी, तो इसने बिना टीचर के खुद सीखकर आपके सामने यह प्रोग्राम लाई है। मैं वेलकम करता हूं गौरी खन्ना जी का। अच्छा, मैं चाहूंगा देखो सलीन भाई हौसला बढ़ाएं बच्ची का, ये बहुत लोगों के मेंटर है, बहुत बच्चों को ये आगे बढ़ाते हैं, तो हमारे बच्चों को भी आपने मोल्ड करा है, श्री अनुराग मिश्रा जी ने मोल्ड करा है, और आज इनके हौसले की शुरुआत है, आगे ये और आगे बढ़ेंगे। गौरी जी का बहुत बहुत थैंक यू। अभी ये गिटार के साथ आपके बीच आएंगी, अभी इनका शो खत्म नहीं हुआ है सलीन भाई। अब मैं चाहूंगा सलीन भाई जो कि 5,000 लोगों के लिए काढ़े लेकर आए हैं, काढ़े के पैकेट देखिए ये सैंपल के लिए है, 5,000 लोगों को यहाँ बांट रहे हैं, यहाँ मंत्रालय द्वारा दिए गए हैं, और यहाँ आप सबके बीच पूरे नादान महल रोड नखास की तरीफ के बीच आपके माध्यम से पहुंचेंगे। होम्योपैथी का इस समय की इस वक्त में उपयोगिता के विषय में आप जन सब हम सबके बीच अपने भाव रखें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमें आज आमंत्रित किया। मैं आज होम्योपैथ मेडिकल कॉलेज जो गोमती नगर में है वहाँ के प्रचार जी को भी सम्मानित किया हूँ, क्योंकि उन लोगों ने जो है उनकी पूरी टीम ने हम लोगों के निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर कैंप में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अपनी सेवाएँ दी हैं। इसी क्रम में आज आपने हम लोगों को बुलाया है, तो आपको जानकारी देना चाहते हैं कि आज आपके साथ हम लोगों का एक बड़ा इवेंट यहाँ पर होना था,
जिसमें लगभग सुबह से लेकर शाम तक 50 से ज़्यादा कलाकार, जिसमें बाल कलाकार जो हम लोगों के साथ में हैं और जादूगर भी हम लोगों के साथ में हैं, कठपुतली वाले हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, गायक हैं, तो जो भी गायन वादन नृत्य के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और उनको मंच नहीं मिलता, उनको हम लोग मंच देते हैं, उनको सम्मानित करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, उस क्षेत्र में हम लोग कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर हनीमैन साहब के लिए मैं ये कहूँगा आज कि जो है 266वें जन्मदिन के अवसर पर हम सिर्फ इतना ये जानते हैं कि एक ऐसी विधा डॉक्टर साहब ने पूरे विश्व को दी है जिसके माध्यम से हजारों लाखों करोड़ों लोग जो हैं छोटी छोटी जो और गंभीर बीमारियां, चाहे छोटी बीमारियां हो चाहे गंभीर बीमारियां हो, उसके माध्यम से ठीक हुए हैं। और इस क्षेत्र में डॉक्टर उमंग खन्ना जी ने जो है एक ऐतिहासिक कार्य किया है कि जो भी कोरोना संक्रमण से लोग होने के चांसेस उनके हैं, उनको जो है हम लोगों के कैंप के माध्यम से दसियों हजार डोजेज फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों के कैंप में वितरित किए हैं। और आज डॉक्टर साहब का मैं विनायक ग्रामोद्योग संस्थान के माध्यम से, अपने पूरे टीम के माध्यम से, माननीय उच्च न्यायालय के अवध बार एसोसिएशन और माननीय हम लोगों के जो सिविल कोर्ट है, जिला जज महोदय के माध्यम से और साथ ही हमारे कलेक्ट्रेट में हमारे DM महोदय के माध्यम से, मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अधिवक्ताओं के लिए और पत्रकारों के लिए जिस तरीके से हमारा उत्साहवर्धन किया है, हम लोगों के कैंप में अपनी दवाइयाँ निःशुल्क दी हैं, अपनी सेवाएँ दी हैं, अपनी कंसल्टेंसी दी है, उन सब के लिए मैं आज, बल्कि ये तो ये भी मैं कहूँगा कि अगर आज डॉक्टर हनीमैन साहब नहीं हैं तो मैं तो जो है एक हनीमैन का प्रतिरूप जो है डॉक्टर उमंग खन्ना जी को मानता हूं। और इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जिस तरीके से आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, डॉक्टर साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत शुक्रिया। अब साथियों एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आती है जो मैं आपको स्वास्थ्य करूंगा, फिर आमिर भाई के एक बार आप मुशायरा फिर से सुनेंगे, क्योंकि अभी दिल नहीं भरा आमिर भाई, ये तो कोरोना की बात हुई, थोड़ा सा जरा माहौल को खुशनुमा बनाने के भी आपके तराने होने चाहिए, पुराने वाले, कोरोना से पहले वाले। बहरहाल अभी बैठे, दो पल बैठे, एक बात हो जाती है पहले साथियों, दिनचर्या की। दिनचर्या एक साथियों बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर हमें अपने को आज के दौर में बीमारी से दूर रखना है तो हमको अपनी दिनचर्या को ठीक रखना पड़ेगा। और इसमें कुछ बातें आती हैं जो आयुर्वेद में संस्कृत श्लोकों के साथ लिखी हैं। मुझे संस्कृत श्लोक तो नहीं याद है, लेकिन उसका मैसेज मैं आपको बता सकता हूं, वही आपके समझने की बात है। साथियों सबसे बड़ी चीज, साथियों हम लोगों को सुबह जल्दी उठना है, चाहे इस्लाम धर्म हो चाहे हिंदू धर्म हो, 5 बजे उठना सब धर्मों में लिखा है। ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त वो वक्त होता है जिस समय पूरे सराउंडिंग में सबसे ज्यादा लेटेंट ऑक्सीजन 40% पाई जाती है, पूरे दिन में आपको इतनी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। अब आप तो कहेंगे साहब सोते में भी तो हम सांस ले रहे हैं, लेकिन सोते में आप बंद कमरे में सांस ले रहे हैं, सोते में आप चैतन्य नहीं हैं, और जब आप चैतन्य नहीं है, कॉन्शियस नहीं है, तो आप उस एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। सुबह हम लोग को 4:30 बजे से 5 के बीच उठना है, जिस समय एनर्जी फ्लो करती है, जिस समय लेटेंट ऑक्सीजन 40% के हिसाब से सराउंडिंग में सबसे ज्यादा होती है, उस वक्त आपको उठना है। बात अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा, बात अगर आपके दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि एक छोटे से 100 स्क्वायर फीट की जगह का प्रोग्राम 125 करोड़ लोगों तक पहुंच जाए। दूसरी बात साथियों, हम लोग पेट भर से भी ज्यादा खा लेते हैं। एक्सक्यूज क्या होता है साहब, मैं पीता नहीं हूं, मेरे तो बस खाने का शौक है तो खा लेता हूं।
आप खा लेते हैं लेकिन आपके शरीर को कितना नुकसान पहुंच रहा है ये आपको नहीं पता है। मैं आपको बताता हूं कैसे। जब आप ओवर ईटिंग करते हैं, ज्यादा खाते हैं, इसका संस्कृत का इस पर बड़ा अच्छा श्लोक है साथियों, श्लोक मुझे नहीं याद है, तो आपके सारे ऑर्गन्स पे प्रेशर पड़ता है और जब सारे ऑर्गन पे प्रेशर पड़ता है तो आपका बॉडी स्ट्रेस में आ जाता है और जब आपका बॉडी स्ट्रेस में आ जाता है, तनाव में आ जाता है, तो आप कैसे अच्छे रह सकते हैं। तीसरी बात साथियों, आज का ये बड़ा मुकद्दस दिन है, बहुत पवित्र दिन है, डॉक्टर हेनीमैन साहब का बर्थडे है, आज जन्मदिवस है। तीसरी बात साथियों, आज हम लोग खाना खाते नहीं है, आमिर भाई से बावस्ता होंगे, पानी के साथ निगलते हैं। तो साथियों, खाने के 40 मिनट पहले आप पानी पी लें, 40 मिनट बाद आप पानी पी लें, लेकिन खाली 40 मिनट के बीच पहले और बाद में पानी ना पिए। आपकी एसिडिटी, जलन, अपच की समस्या, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। पांचवी बात साथियों आती है सांस। सांस एक ऐसी चीज है जो यहां से हमने सांस ली और ये सांस बाहर आई और फिर सांस वापस अंदर नहीं गई, हम ऊपर ब्रह्मलीन हो गए। तो सांस ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है और आजकल हम लोग गहरी सांस नहीं ले पा रहे हैं। उनसे पूछे जिनको कोविड का इंफेक्शन हुआ है, जो सांस लेने के लिए तरस रहे हैं, मैं डॉक्टर के नाते आपको बता रहा हूं कितनी भयावह स्थिति है। मैं आपको डॉक्टर के नाते बता रहा हूं कितनी भयावह स्थिति है। तो वैसी स्थिति में साथियों हमको सांस लेना सीखना होगा, सांस को गहरा लेना होगा। पांचवी बात साथियों, यह जो खड़े होके खाने का टेंडेंसी और खड़े होके टॉयलेट जाने की टेंडेंसी है, यह साथियों बहुत घातक है, इसको हमें रोकना होगा। खाना आपको जमीन पे क्रॉस लेग्स पे अलती पलती मार के खाना चाहिए। इससे क्या होता है, जो नेगेटिव एनर्जीज आसपास होती है, जब आप क्रॉस लेग्स कर लेते हैं तो नीचे से जहां से आपकी दाढ़ी होती है सबसे नीचे, वहां नेगेटिव एनर्जी ऊपर नहीं ट्रांसफर हो पाती जब आप क्रॉस लेग्स करके बैठते हैं, तो आपको पुराने दौर की तरह जमीन पे खाना होगा। छठी बात साथियों, अब गर्मियां आ रही हैं और गर्मियां आने के साथ साथियों, गर्मियां आने के साथ आ रहा है ठंडा पानी, चिल्ड वाटर। चिल्ड वाटर का एक फैशन चला है। अगर आपको साथियों सुरक्षित रहना है, सही रहना है, तो आपको चिल्ड वाटर छोड़ के गुनगुने पानी पे आना पड़ेगा। इसका भी पूरे हमारे इतिहास में, साहित्य में, आयुर्वेद में एक श्लोक है। श्लोक मुझे नहीं याद है पूरा, लेकिन उसका सार यही है कि आपको गुनगुना पानी पीना चाहिए। सातवीं बात साथियों, हमको मौसम के बदलाव से अपने शरीर में अडाप्ट करने की विधा को सीखना पड़ेगा। ऋतुचर्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका भी एक संस्कृत श्लोक है साथियों, हमको नहीं आता। जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट में आपके माहौल होता है, वही माहौल, वही एनवायरनमेंट, वही इकोसिस्टम आपके बॉडी के अंदर होता है। तो आजकल जो एक फैशन आ गया है कि जिस मौसम में उस मौसम की सब्जी नहीं खाएंगे क्योंकि वो सस्ती है, वो सब्जी खाएंगे जो उस मौसम में नहीं आती। और इसकी कीमत है आपका स्वास्थ्य। तो साथियों, हमको इस ऋतुचर्या के परिवर्तन को थोड़ा गूगल पे स्टडी करना पड़ेगा और गूगल पे स्टडी करके हमको इसके कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। आठवीं बात साथियों, स्नान।
स्नान हमको सही तरीके से, नहाना हमको सही तरीके से पड़ेगा, बाथ अपना ठीक तरीके, वी हैव टू टेक आवर बाथ प्रॉपरली, एंड द करेक्ट वे ऑफ टेकिंग बाथ इज कि अब आप नदी में तो नहीं जा सकते हमेशा नहाने के लिए, और नदियां इतनी साफ भी नहीं रही कि आप जा पाए, तो आप जो स्नान करें उस पे आप पहले सर पे पानी डालें, और एक ऐसी स्थिति में पानी डालें कि एक बार में आपका पूरा शरीर भीग जाए, यानी बाल्टी लेके पूरी अपने ऊपर उलट लें। ये एक सही तरीका है जो आप अपनी नेगेटिव एनर्जीज को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ बेदिंग। ऐसी बहुत सी बातें साथियों आपको भी मालूम है, ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको नई चीज बता रहा हूं, आपको भी मालूम है, लेकिन कहीं कहीं पे हम लोग उनको फॉलो नहीं कर पाते हैं। आपको इनको ऐसे फॉलो करना पड़ेगा। और गौरी खन्ना जी इस पर एक जो है अच्छा सा आपको तराना सुनाएंगी, और उसके बाद आमिर भाई से दो लाइन हम लोग चंद और सुनेंगे, और फिर हम लोग 4 बजे समापन की ओर इस कार्यक्रम में पढ़ेंगे। तो मैं चाहूंगा गौरी जी किस गाने पे आप प्ले करेंगी? कुछ कुछ होता है। कुछ कुछ होता है, देखिए गिटार पे लीजिए आप, इनका विधा देखिए, अभी इन्होंने पियानो पे प्ले करा, अब ये गिटार पे प्ले करेंगी, और मेरे लिए गर्व की बात है। अच्छा गौरी जी, आपके ऋषभ सर को भी मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने यह धुन आपको सिखाई, और आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने सीखने की इच्छा प्रकट करी और आपने इसको सीखा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज का दिन बहुत अहम है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 266वीं जयंती हम मना रहे हैं डॉक्टर हनीमैन की, जो होम्योपैथिक के जनक है, और ये और जहाँ हम लोग बैठे हैं इस वक्त वो डॉक्टर उमंग खन्ना होम्यो क्लिनिक है। यहाँ पे होम्योपैथी का जो जन्म हुआ हनीमैन साहब की तरफ से, या उनकी इजाद कह सकते हैं इसे, उसे धीरे धीरे इस काम को जो है डॉक्टर खन्ना इस वक्त बहुत तेज़ी से उस पर काम कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो पहले एलोपैथी से जुड़े हुए थे, और एलोपैथी में एक इलाज तो वहाँ होता है लेकिन जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनसे नहीं बचा जा सकता उस दवा के, तो उससे बचने के लिए लोग यहाँ पर, यानी कि एक मरज़ को ख़त्म करने के लिए जब वो दवा खाते हैं एलोपैथ की, तो दूसरा मरज़ जो है उनके बॉडी में जन्म ले लेता है। तो ऐसा ना हो इससे बचने के लिए बहुत सारे लोग जो इससे पीड़ित हो चुके थे वो आज डॉक्टर उमंग खन्ना से संपर्क करते हैं और होम्योपैथी का इस्तेमाल उसका प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि होम्योपैथी थोड़ा सा पेशेंस मांगती है, थोड़ा सा धैर्य सब्र मांगती है, क्योंकि धीरे धीरे ये उपचार करती है, और जब ये दवा उपचार ही नहीं करती बल्कि मरज को जड़ से ख़त्म करती है, और अगर आपको जड़ से ख़त्म करना है तो धैर्य आपको रखना होगा। और ज़्यादा डॉक्टर साहब ने कहा कि अपनी सेहत का अगर आपको ख्याल रखना है तो खान पान पर ध्यान दे, और जो सबसे बेहतरीन बात डॉक्टर साहब ने कही कि सुबह जो जल्दी उठते हैं, इस्लाम धर्म में भी और सनातन धर्म दोनों में ये है कि सुबह सुबह जो देवदूत होते हैं सनातन धर्म में और इस्लाम धर्म में जो फरिश्ते हैं, वो सुबह के वक्त आपकी रोजी लेकर आपके घर पर आते हैं। जब आप जाग रहे होते हैं तो वो रोजी आपको मिल जाती है, यानी कामयाबी या आपकी तरक्की आपको मिल जाती है, लेकिन जब आप सो रहे होते हैं तो बहुत देर इंतज़ार करने के बाद वापस चला जाता है, और आपकी रोजी, आपकी कामयाबी और आपकी सरफराजी को अपने साथ ले जाता है। इसलिए डॉक्टर साहब की बात पर बहुत ध्यान देने वाला है। और दूसरी बात यह कि जो खाना जो है, जब हम ज़्यादा खाते हैं तो फिर खाना हमें खाता है,
खाना जीने के लिए खाया जाता है, ना कि खाने के लिए जिया जाता है। और किसी भी चीज़ की अति बहुत ख़राब होती है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि फल और सब्जियां इनका आप प्रयोग कीजिए, और नाश्ते में आप चाय वाय का इस्तेमाल अगर हो सके तो छोड़ दीजिए। डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि अगर आप शुगर से बचना चाहते हैं तो सुबह जो नाश्ता होता है, जितने किलो के आप हैं, अगर आपका वज़न 70 किलो है, 80 किलो है, तो उतने ग्राम यानी 700 ग्राम या 800 ग्राम वो सब्जियां इस्तेमाल कीजिए सुबह के वक्त, या वो फल इस्तेमाल कीजिए जिन्हें आप आराम से कच्चा है मौसम के, उन्हें आप खा सकते हैं आराम से। हर खाने से पहले दोपहर का हो या रात का हो, सब्जियों को उतनी मात्रा में खाइए। करीब आके वो जब मुस्कुराने लगते हैं, करीब आके वो जब मुस्कुराने लगते हैं, हम उनकी बाहों में गम को भुलाने लगते हैं, करीब आके वो जब मुस्कुराने लगते हैं। और ये शेर बतौर ख़ास डॉक्टर साहब, किसी को दिल में बसाना है काम लम्हों का, किसी को दिल में बसाना है काम लम्हों का, किसी को भूल ना चाहो जमाने लगते हैं, किसी को भूल ना चाहो जमाने लगते हैं, कोई तो शाम गुजारो हमारी बाहों में, कोई तो शाम गुजारो हमारी बाहों में, तन्हाइयों में तो गम भी सताने लगते हैं। और ये शेर आज की दुनिया के हवाले कि जब डॉक्टर साहब हमारे पास बहुत ऐश ऐश्वर्य दौलत नाम इज्जत ओहदा होता है तो लोग बहुत करीब आ जाते हैं, लेकिन जब ये सब नहीं होता है तब क्या होता है? हमारे पास है दौलत तो सारी दुनिया है, हमारे पास है दौलत तो सारी दुनिया है, मुसीबतों में तो अपने बेगाने लगते हैं। कहते हैं कि बुरे वक्त में ही इंसान का अंदाज़ा होता है कि वो अच्छा है या बुरा। और ये आखिरी शेर वक्त का, निगाह उनसे मिली जो कभी तो है आमिर, निगाह उनसे मिली जो कभी तो है आमिर, वो अपने हाथों में चेहरा छुपाने लगते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो जो ग्लूकोज में यहाँ पर बात हुई है, जो डॉक्टर साहब ने कहा है, जिन दवाओं के बारे में आपको बताया है, जो इम्यूनिटी के लिए हो या आपकी अपनी सेहत के लिए हो या बीमारी या कोरोना से बचने के लिए हो, उन पर ध्यान दीजिएगा। और जो बात सेहत के लिए और खान पान के लिए आपसे कही गई है उस पर अमल ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बातें कहने या सुनने के लिए नहीं होती हैं, वो गीता हो या कुरान हो, पुराण हो या वेद हो, रामायण हो या उपनिषद हो, वो तौरेद हो या जुबीर हो, जुबूर हो, वो गुरु ग्रंथ साहिब हो या बाइबल हो, हर किताब हमें हमारे जीने का मकसद, हमारे होने का मकसद बताती है और कैसे हमें जीना है हमें बताती है। यही किताब है, यानी जो वेद है हमारे, वहीं से आयुर्वेद निकला है, वहीं से दवाएँ निकली हैं, वहीं से हमारी सेहत का राज निकला है। तो ये जो बातें आपसे की जा रही हैं, ये फ़ज़ाई और हवाई नहीं हैं, बल्कि आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इन पर अमल करना, इन पर प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद आमिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, रूहानी आवाज़, रूहानी सोच और रूहानी बातचीत, लफ्ज़
यहाँ आपको डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक पे मिलेंगे, चाहे मेरे शैलेंद्र भाई हो विनायक ग्रामोद्योग संस्थान से, चाहे आमिर भाई हो हमारे, चाहे खालिद रहमान भाई हो, चाहे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अनुराग मिश्रा जी हो, हर आदमी मनोजी, हर आदमी आपके हित की बात करेगा, हर आदमी आपके स्वास्थ्य की बात करेगा। हमारे शैलेंद्र भाई 5000 लोगों के लिए काढ़ा लेकर हम लोगों के बीच आए हैं, पूरे नादान महल रोड नखास को काढ़ा मिल जाएगा स्वास्थ्य विभाग का। इसके लिए यहाँ स्वास्थ्य डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक शैलेंद्र भाई का आभारी है। आमिर भाई अपना कीमती वक्त निकाल के हम लोगों के एक बुलावे पे हम लोगों के बीच अपनी व्यस्तता से चले आए हैं, मैं इनका आभारी हूँ। श्री अनुराग मिश्रा जी हम लोगों के बीच, हम लोग उनको जिद करके बुला लेते हैं और वो तुरंत चले आते हैं, कोरोना काल में भी वो हम लोगों के बीच उन्होंने समय दिया, मैं उनका आभारी हूँ। अपने बीच वरिष्ठ अधिवक्ता संजय त्रिवेदी जी आए, मैं उनका आभारी हूँ। मैं तमाम साथियों का आभारी हूँ, मैं अपने स्टाफ का आभारी हूँ, जिसमें कि अमित सिंह जी, मोनू सिंह जी, शिव प्रताप जी, सब लोगों के माध्यम से यह प्रोग्राम आप तक पहुँच रहा है। जो लोग इस कैमरे के पीछे हैं मैं उनका भी आभारी हूँ। दो बच्चियाँ हमारी स्वधा और स्तुति, मैं चाहूँगा एक बार दोनों बच्चियाँ हमारे बीच आ जाएँ, दोनों बच्चे हमारे बीच एक बुके लेकर आ जाएँ और एक हम लोग ग्रुप फोटोग्राफ अपने बच्चों साथ, ऐसे तो सामाजिक होने के कारण बच्चों के साथ समय ही नहीं मिल पाता कि फोटो हो जाए, फोटो दुनिया के साथ होती है लेकिन बच्चों के साथ नहीं हो पाती। तो मैं चाहूँगा मेरी बहुत अच्छी बच्ची आओ इधर आ जाए स्तुति, ये बहुत अच्छी बच्ची है दोनों मेरी, और निश्चित रूप से यही हम लोगों के बुढ़ापे का संबल है, अपनी उम्र का संबल है, इसलिए अपने बच्चों को काबिल बनाइए। मैं समय का कमी कारण कभी कभी इनको वक्त उतना नहीं दे पाता हूँ, थोड़ा अफसोस महसूस करता हूँ, लेकिन अगर आप वक्त दे सकें तो आप अपने बच्चों को वक्त ज़रूर दीजिए, मैं भी प्रयास करूँगा। अपने बीच पवन श्रीवास्तव जी हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के, मैं आपको धन्यवाद दूंगा क्योंकि कोई भी कीमती वक्त निकाल के किसी के आता है, तो पूरी जर्नलिस्ट एसोसिएशन को मेरी तरफ से धन्यवाद और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद और सलेन जी को धन्यवाद जो स्वास्थ्य की चर्चा को लोगों तक पहुंचाते हैं। अब साथियों आखिरी 5 मिनट बचे हैं, इसके बाद हमारे मेहमान आए हैं, 2 पल इनके साथ जलपान का भी वक्त होगा, मेहमान नवाजी भी कहते हैं बहुत जरूरी चीज होती है। मैं आप लोगों से कहूंगा एक बात फिर कि अगर मेरी बातें ये प्रोग्राम आपके दिल में उतर रहा हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। जब आपको इतनी नॉलेज देने के लिए, आमिर भाई हमसे पैसा नहीं ले रहे हैं कुछ बोलने के लिए, शैलेंद्र श्रीवास्तव जी काढ़ा देने के लिए हमसे पैसा नहीं ले रहे हैं, तो मैं आपको दवाएं बताने के लिए आपसे कुछ नहीं ले रहा हूं, बस ये निवेदन है कि जैसे हम लोग अपनी अपनी जो संभव है वहां कार्य कर रहे हैं, उसी प्रकार आप भी आज डॉक्टर हेनीमैन साहब के जन्मदिन दिवस के अवसर पर इस वीडियो को शेयर कर दें। अभी भी 5 मिनट हैं, जिन साथियों ने शेयर नहीं करा है वो शेयर कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, लेकिन मैं समझता हूं कि सोशल मीडिया केवल अच्छी बात बढ़ाने के लिए और इसका कोई महत्व ज़्यादा है नहीं, तो अगर इस महत्व को आप समझते हैं तो इन वीडियोज को शेयर करें। एक चीज साथियों हम आज आपको बताएंगे, अब एक कार्यक्रम है तो एक नई बात भी होनी चाहिए, तो मैं आपको एक नई बात बताता हूं। होम्योपैथी साथियों एक ऐसी विधा है डॉक्टर हेनीमैन साहब के माध्यम से बनाई हुई जो जिंदा व्यक्ति पे तो कारगर है ही है, जिस भी चीज में जीवन है वहां होम्योपैथी है। होम्योपैथी पेड़ों की बहुत अच्छी दवा है, पेड़ों के मर्च की बहुत अच्छी दवा है, जिसको एग्रो होम्योपैथी कहते हैं, और डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक का प्रयास है कि इसको एग्रो होम्योपैथी को आगे बढ़ाया जाए। अगर आपके पौधों की ग्रोथ नहीं हो रही है साथियों, अगर पौधे आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी दवा होम्योपैथी में आती है सलिसिया। आप जो पानी में दवा डालते हैं, पानी पौधों को सींचते हैं, उसमें 2 बूंद सलिसिया डाल दें, यह 10 पैसे की दवा है, इसमें से 10 पैसा आपका खर्च होगा केवल, और उस 10 पैसे में आपका पौधा बढ़ने लगेगा। होम्योपैथी में ऐसी दवाएं आती हैं कि अगर किसान उसका इस्तेमाल करें तो उनका जो है, जो बैंगन के लिए वो केमिकल डालते हैं, केमिकल और पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड की जगह वो इन दवाओं का उपयोग करें। एक दवा आती है
टेरा, साइलिसिया टेरा, वहाँ दवा जब आप डालते हैं तो उससे बंजर भूमि भी उपजाऊ हो जाती है। आप कभी इसको करके देखें, साइलिसिया टेरा दवा को आप दवा डाल दें जहाँ पर बंजर भूमि है, 6 महीने के अंदर भूमि उपजाऊ हो जाएगी। ऐसी ऐसी दवाएं होम्योपैथी में आती हैं जो आपके 10 गुना पौधे को कर सकती है, 10 गुना उसके फल को कर सकती है, आपके उत्पाद को कर सकती है। हर मर्च की जैसे इंसान में दवा आती है वैसे पौधों में भी जीवन है, तो पौधों की भी दवा आती है। तो ऐसे करिश्माई होम्योपैथी, ऐसी करिश्माई होम्योपैथी डॉक्टर हेनीमैन साहब ने बनाई है, और इस कार्यक्रम का यही मकसद था। आज एक बार फिर 2:04 साथियों, 5 बजे क्लिनिक का टाइम है। अपने धर्म को, अपने कर्म को आगे बढ़ाना है। मेरा धर्म दवा देना है, मैं एक डॉक्टर हूं। तो अब वक्त आ रहा है आपसे विदा लेने का, लेकिन मैं फिर कहूंगा, एक तो वीडियो को शेयर करें, दूसरी बात अपना ध्यान रखें। COVID-19 से बचाव के लिए आज 266वीं जयंती पर डॉक्टर हेनीमैन साहब की श्रद्धांजलि के रूप में आप पार्सनिक एल्बम 30 और इन्फ्लुएंजिनम 200 की 1-1 cc खरीद के लाएं, और परिवार को सुबह आर्सनिक एल्बम और रात को इन्फ्लुएंजिनम 200 पावर की 2-2 बूंद 15 दिन तक लगातार दें। या COVID-19 से बचाव की बहुत अच्छी दवा है, और आयुष मंत्रालय ने भी इसको बहुत अच्छी दवा माना है। उसके अलावा साथियों, इम्यूनिटी बढ़ाने की बहुत अच्छी दवा है इच्नेसिया ऑगस्टिफोलिया। इसको आप 1x पावर में 1-1 टैबलेट 3 बार स्वयं भी ले सकते हैं और परिवार में भी दे सकते हैं। इससे भी बहुत फायदा मिलेगा, बहुत आराम मिलेगा, इम्यूनिटी बच्चे की बढ़ेगी, उनको कोरोना या कोई भी वायरल बैक्टीरियल डिजीज नहीं होगा। और साथियों, मैं डॉक्टर हेनीमैन साहब के जन्मदिन पे घोषणा करना चाहता हूं, और वह घोषणा यह है कि लाइव क्लिनिक, डॉक्टर उमंग खन्ना क्लिनिक, अब लॉकडाउन की स्थिति है, नाइट कर्फ्यू की स्थिति है, वीकेंड लॉकडाउन की स्थिति है, इस स्थिति में डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक आपके बीच लाइव क्लिनिक के रूप में सैटरडे और संडे रहेगा, शनिवार और इतवार को रहेगा। आप अपनी कोई भी क्वेरी हमसे उस पर कर सकते हैं, मैं आपको निःशुल्क दवा बताऊंगा, आप दवा बाजार से लेके लाभ अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। यह दवाएं आपकी परेशानी का विकल्प नहीं है, लेकिन आपकी परेशानी में मदद जरूर करेंगी। इसी के साथ साथियों, कहते हैं समय की पाबंदी अच्छी होती है, और ये मेरे पास एक बहाना भी है, क्योंकि 5 बजे से मरीज आने लगेंगे और सुबह से इस कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। तो सूक्ष्म रूप से लेकिन प्रभावी रूप से मनाया गया यह कार्यक्रम आपके बीच है। जो लोग मेरे साथ रहे, मैं सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं जिन लोगों ने मेरे वीडियो को शेयर करा, मैं उनको विशेष शुभकामनाएं देता हूं, और उन लोगों को भी विशेष शुभकामनाएं देता हूं जो किसी कारणवश वीडियो को शेयर नहीं कर पाए, क्योंकि मेरी थोड़ी शिकायत रहती है। अच्छी चीज़ को आपको शेयर करना चाहिए, अगर कोई प्रभावी चीज़ आपको मिले तो उसको शेयर करना चाहिए, और सोशल मीडिया का कोई महत्व नहीं है। ये जो नचनिया कचनिया टाइप लोग हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड वाले, इनकी फ़ोटो आप चाव से शेयर करते हो, इनको मैं नचनिया कचनिया से ज़्यादा नहीं मानता। कलाकार के नाम पे क्या क्या मापदंड हो गए, ये तो कोरोना ने कम कर दिया। कला कला के नाम पे अब होता है साहब, हीरोइन जो है वो कैबरे डांस भी कर लेगी और हीरोइन जो है वो एक्टिंग भी कर लेगी, दोनों रोल प्ले कर रही है। हीरो है, पूरी पिक्चर भर सिगरेट पीता है, आखिर में उसको गोली लग जाती है, उसकी मौत हो जाती है, लेकिन ये यंग जनरेशन 2.5 घंटे के उस हीरो को देखेगी कि 15 मिनट के आखिर के हीरो को देखेगी जब उसकी मौत हो जाती है, वो देखेगी 2.5 घंटे के वक्त उसको जब वो मजे से सिगरेट पी रहा होता है, मजे से दारू पी रहा होता है। तो वो शेयर करना आपके लिए आसान है, लेकिन अच्छी बात शेयर करना किन्हीं लोगों के लिए थोड़ा कठिन होता है। लेकिन मैं सबका धन्यवाद देता हूँ, और मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ, मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर हेनीमैन साहब का, जिन्होंने आज इनका आज हम लोग बर्थडे मना रहे हैं, 266वीं बर्थ एनिवर्सरी, और जिन्होंने होम्योपैथी को रिफाइंड फॉर्म ऑफ आयुर्वेदा के रूप में दिया। ऐसे डॉक्टर हेनीमैन साहब का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, और आप सबका धन्यवाद देता हूं पुनः एक बार कि इस पूरे कार्यक्रम में मंच पे आप हम लोग के साथ रहे, और इस कार्यक्रम के बारे में सोचा और इस विचार के बारे में सोचा।
होम्योपैथी एक विचार है, होम्योपैथी एक अंदाज है, होम्योपैथी के एक आइडिया है। आपने इसके बारे में सोचा? मैं तमाम यूट्यूब के दर्शकों को, फेसबुक के दर्शकों को, इंस्टाग्राम के दर्शकों को, ट्विटर के साथियों को, सोशल मीडिया के साथियों को, लखनऊ के साथियों को, उत्तर प्रदेश के साथियों को और भारतवर्ष के साथियों को और संपूर्ण विश्व के साथियों को धन्यवाद अदा करता हूं। धन्यवाद।
Podcasts.